हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में जो है ओमनीवर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि इस सिस्टम में जो है मुझे कम्प्लीटली 1 महीना हो गया है। और इस वीडियो में जो है कि मैं पूरा अपना अकाउंट दिखाऊंगा कि कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना मेरी अर्निंग हुई है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस सिस्टम में ज्वाइन होकर के हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना मुझे रिटर्न मिलना है, एज ए इन्वेस्टर बनके मैं कितना अर्निंग कर सकता हूं और एज ए लीडरशिप बन करके एक नेटवर्क क्रिएट करके एक टीम बना करके कितना मैं इस सिस्टम से कमा सकता हूं और उसका पोटेंशियल क्या है और सिस्टम जो है कितना चल सकता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बेसिकली ये जो है पूरा 1 महीने का डाटा रहेगा कि मैंने कब इन्वेस्टमेंट किया और कितना रिटर्न मुझे अभी तक मिला है। और तो चलिए मैं चलता हूँ अपने अकाउंट पे। और आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले ओमनीवर्स का इस चैनल पे मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट लगा रखा है, एक फ्रैक्शनल NFT $143 से और दूसरा लगा रखा है डायरेक्ट में $5,500 से मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, ये फुल NFT से जो रेफरल इनकम जाता है वो जाता है $125 पर वीक और मंथली जो है एक हमको स्पीड अप बोनस मिल जाता है $125, ठीक है ना। ये एडिशनल ये पर वीक मिलता है और ये वन टाइम मिलता है, हर मंथ मिलेगा 24 महीने तक, ठीक है। यानी कि लगभग $625 के लगभग हमको जो है हर मंथ जो है इससे इनकम आने वाला है, रेफरल इनकम। तो ये जो है $143 वाला अकाउंट है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये जो है $143 से मेरा लगा हुआ है और इसमें ये भी दिखा देता हूँ कि कितने तारीख को मैंने जो है इसमें स्टैकिंग किया था, ठीक है। तो मैं स्टैकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने तारीख को मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने किया था इसमें 26 सितंबर, लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला इनकम जो है स्टैकिंग इनकम है, ठीक है ना, स्टैकिंग इनकम है। दूसरा जो है मैचिंग इनकम है और तीसरा जो है रेफरल इनकम है, ठीक है ना। इस अकाउंट पर जो है आपको यही 3 देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको 1 by 1 करके सारा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ रेफरल इनकम पे। तो यहाँ पे रेफरल इनकम देखेंगे तो पहला रेफरल इनकम मेरे को 13 अक्टूबर को आया, जो कि $125 का है। फिर 20 अक्टूबर, फिर 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर को मेरे को आया हुआ है, जो कि 125, 125, 6, 125, 6, 125 के हिसाब से ये मेरे को इनकम आया है, ठीक है। ये जो है टोटल रेफरल इनकम है, जो अभी तक मुझे जो है $512 का रेफरल इनकम मुझे यहाँ से इस सिस्टम से मिल चुका है। फिर बात कर लेते हैं दूसरे इनकम के बारे में, जो कि है इसमें स्पीड अप बोनस। स्पीड अप बोनस 2 कंडीशन में मिलता है, या तो 1 मंथ में यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप 40 लोगों को डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर एक फुल NFT के साथ में अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उससे जो है आपको स्पीड अप बोनस मंथ में एक बार जो है आपको $125 मिलेगा, जो कि 5 नवंबर को मुझे जो है मिल चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, स्पीड अप बोनस जो दूसरा स्पीड अप बोनस मिलने वाला है वो 5 दिसंबर को मिलने वाला है, यानी कि अगला जो मंथ कंप्लीट होगा वो 5 दिसंबर को मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने बात कर लिया रेफरल इनकम, स्पीड अप बोनस। अब तीसरा बात कर लेता हूँ मैचिंग इनकम की। तो मैचिंग इनकम यहाँ पे देखेंगे टोटल $33 मेरे को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं $10, $10 और $11 करके मेरे को मैचिंग बोनस मिला है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे काम अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक रिटर्न कम रिटर्न वाला प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टाइम वाला प्रोजेक्ट है, तो लोगों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को चाहिए थोड़ा सा हाई रिस्क वाले कि डेली हमको 1% 2% का रिटर्न इस सिस्टम से मिले, तो वो उसमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, जबकि वो प्रोजेक्ट भले ही 2 महीने में बंद हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रोजेक्ट जो एक लंबे विजन का है, इस वजह से इसमें रिटर्न कम है और एक स्टेबल प्रोजेक्ट है। फिर तीसरा इनकम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने स्टेक किया है उसके ऊपर जो रिटर्न है 1.5% जो वीकली मिलता है। तो यहाँ पे ये जो है टोटल इनकम आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि डेट वाइज आपको यहाँ पे आ रहा है। इस वाले अकाउंट में टोटल इतना ही इनकम है, बाकी जो है अभी बाकी जो है यहाँ पे रिवॉर्ड अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, रॉयल्टी भी नहीं हुआ है, तो ये धीरे धीरे अभी चलता रहेगा जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा। और बिजनेस रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है, कितना बिजनेस है क्या है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टोटल विड्रॉल इनकम की, बात करता हूँ। तो यहाँ पे विड्रॉल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि विड्रॉल आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपको विड्रॉल मिलता है। मैं पेज नंबर 2 पे आ जाता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे 3 अक्टूबर से जो विड्रॉल है वो मिलता हुआ आया है। यहाँ पे आपको अमाउंट मैंने ऊपर ही दिखा दिया, अमाउंट भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली विड्रॉल है। पेज नंबर 1 पे आएंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अमाउंट आपको यहाँ पे USDT में दिख जाएगा, यहाँ पे ओमनी में दिख जाएगा, ठीक है। टोटल जो रेवेन्यू हो चुका है इस अकाउंट पे $681 का मेरा रेवेन्यू हो चुका है। अब मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अब वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है, जस्ट वॉलेट कनेक्ट करके हमारा अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ से मैंने कनेक्ट कर लिया। मेरा जो अकाउंट है, जो दूसरा अकाउंट है, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 5400 का एवरेज है। इसमें भी आप देखेंगे 326 का मेरा रेवेन्यू। तो पहले मैं बात कर लूँ ये अकाउंट जो है कब लगा था, तो मैं यहाँ पे स्टेकिंग हिस्ट्री पे आता हूँ। स्टेकिंग हिस्ट्री पे आप देखेंगे 6 अक्टूबर को मेरा लगा है और $5,447 से ये अकाउंट जो है मेरा लगा हुआ था। तो अभी स्टैकिंग है, तो ये जो है मेरा स्टैकिंग पे लगा हुआ है। ये अकाउंट जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ पे है, तो इस पर जो है सिर्फ वीकली का 1.5% स्टैकिंग इनकम आने वाला है। तो उसका इनकम ये देख सकते हैं 13 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 27 और 3 अक्टूबर को $81 मेरे को रिसीव हुआ है। लगभग $326 मेरे को यहाँ पे रिसीव हो चुका है, जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है। और मैंने इसका जो है वीकली विड्रॉल भी इस अकाउंट का भी आप लोगों को शेयर कर रखा है। तो ये तो पूरा सिस्टम है। टोटल देखा जाए तो पुराने वाले अकाउंट पे $681 मेरे को वहाँ पे मिला है और लगभग $326 मेरे को यहाँ पे मिला, यानी कि मोटा मोटा $1,000 से प्लस होता है ये। बट $1,000 भी अगर आप मान के चलते हैं तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 5,500 है। तो इस पे जो है 18% मेरा रिटर्न बनता है, 18% मुझे रिटर्न मिला है, जो कि $990 होता है, लेकिन $10 मेरे को एक्स्ट्रा ही मिला है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो भी इनकम है मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, कुछ ट्रस्ट वॉलेट पे है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे अकाउंट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे $109 का, $109 ओमनी टोकन यानी $225 का यहाँ पे पड़ा हुआ है, ताकि हमको जो है कॉइन का अप्रिसिएशन वैल्यू मिले, क्योंकि एक अच्छे एक्सचेंज पे लिस्ट है MEXC एक्सचेंज, जो कि ग्लोबली 10वें नंबर पे लीड कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं 176 ओमनी टोकन यानी $360 के लगभग मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा है। तो टोटल $900,000 जो भी इनकम मेरा हुआ है सारा का सारा होल्ड कर रखा है। और मार्केट पे आकर के इसका प्राइस देखते हैं तो एक अच्छा अभी प्राइस चल रहा है, और यहाँ से प्रोडिक्शन है कि आने वाले समय में $3-4 जाएगा। तो मेरा सिर्फ वन शॉट में जो मैंने $5,000 इन्वेस्टमेंट किया है, वन शॉट में मेरा वो पैसा रिकवर हो जाने वाला है। जो भी इनकम होगा वो स्ट्रेटजी वाइज होगा। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो जैसे प्रीवियस सिस्टम में नुकसान होता है, उस तरीके से यहाँ पे भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि यही चीज़ अगर एक साल के बाद आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि ₹1,00,000 डाल दीजिए या ₹50,00,000 डाल, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। समय के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। मेरे को लगा कि इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया जा सकता है, तो मैंने वन शॉट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके पैसा बन रहा है। मुझे पता है मेरा कैपिटल निकल जाएगा और मैं कुछ भी काम नहीं करता तो मेरा 4x से 5x का रिटर्न यहाँ बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक डिसीजन लेना, और डिसीजन लेंगे तो भी आप तभी आपको जो है एक अच्छा रिटर्न और साथ ही में कैपिटल आपका रिटर्न होगा। अदरवाइज मार्केट में ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो डेली के 1% 2% दे रहे हैं, और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कितने लोग उसमें कमाते हैं और कितने लोग नुकसान करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेस्ट है, मेरे हिसाब से अभी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इस प्रोजेक्ट में नहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्सचेंज में अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे अगर बाई करके होल्ड करेंगे तब भी आपको एक अच्छा रिटर्न उस सिस्टम से मिल सकता है। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ का भी बेनिफिट लें और एक नेटवर्क बिल्ड करके यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो डिसीजन आपका है। ये दोनों अकाउंट मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। आई होप आपको सारा वीडियो कम्प्लीट समझ में आया होगा। यहाँ पे जो है मुझे मंथली 18% का रिटर्न मिल चुका है और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, लगभग 5,00,000 रुपये का मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अगर मैं टीम बिल्ड यहाँ पे करता हूँ तो भी मुझे एक अच्छा खासा अर्निंग होने वाला है, अगर नहीं भी करता हूँ तो भी मेरे को एक अच्छा खासा इनकम होने वाला है, जो कि मंथली मुझे ₹1,00,000 के लगभग आ रहा है मोटा मोटा। दूसरी बात है कि अगर इसके कॉइन को मैं होल्ड करता हूँ, जो कि एक अच्छे खासे एक्सचेंज पे लिस्ट है, MEXC एक्सचेंज, जो कि ग्लोबली 10वें नंबर पे लीड कर रहा है, तो अगर मैं होल्ड भी करता हूँ, जैसे आपने अकाउंट में भी देखा मैंने होल्ड भी किया हुआ है, तो मैं अगर एक्सपेक्टेशन सिर्फ $10 तक करता हूँ तो भी मेरा इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो वन शॉट में मेरा निकल सकता है। एक अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पैसा बनाने का, तो आप भी एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते। बस एक ही चीज़ है कि डिसीजन लेना आना चाहिए। एक सही समय पर डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो चीज़ 6 महीने 8 महीने के बाद हम डिसीजन लेते हैं तो एक लंबा समय निकल चुका है और वहाँ पे हमको ये लगेगा, रिग्रेट होगा कि मैं इस सिस्टम में, मेरे को बहुत पहले मिल गया था, एक इनिशियल फेज में मिल गया था, मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया और कई लोगों ने इस सिस्टम से पैसा बना लिया और अब मैं ज्वाइन करूँगा तो कहीं ना कहीं नुकसान में रहें। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है और एक डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिसीजन लिया तो 110% आप इस सिस्टम से अर्निंग करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।